हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैक्स में आ रही आपको स्क्रिप्ट कंट्रोलर की एरर कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि जब आप कोई एक्स्ट्रा फाइल, मतलब कि कुछ रेडीमेड फाइल आप जब मैक्स में ऐड करते हो तो उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। लेट गेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप अभी देख रहे हो मैक्स कम्प्लीटली ओपन है और इसमें कुछ भी स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले एक फाइल ओपन कर लेते हैं जिसको मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया था। स्क्रिप्ट का एरर आया है मैक्स के अंदर, इसको भी हम ओके कर लेते हैं। तो ये फाइल तो चालू हो जाएगा, अगर आप इसके अंदर रेंडर भी करते तो दिक्कत नहीं। हम इसको बंद कर देते हैं, डोंट सेव। अभी जो हमारा प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट कंट्रोलर का, वो अभी आएगा क्योंकि जो ये मैक्स की फाइल है उसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है, तो दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप कोई इंटरनेट से कोई फाइल लेते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखो, अभी मैंने मैक्स स्टार्ट कर दिया है और मेरे पीसी में करीबन 46 सेकंड का टाइम लगता है मैक्स ओपन होने में, क्योंकि मेरे पास है इसके अंदर 32 GB रैम है और 6 GB ग्राफिक्स कार्ड है। ओके, यहाँ पे फाइल स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि ये स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम आएगा और ये देखो ये अभी दिखा रहा है। तो हम इसको पहले क्लोज कर देंगे टास्क मैनेजर और वहाँ से जाके इसको क्लोज कर देंगे। आपको सिर्फ एक ENU करके जो फोल्डर आता है उसको डिलीट करना पड़ता है। तो इसके लिए पहले हम जाएंगे माय कंप्यूटर में, वहाँ से सी ड्राइव, यूजर्स, आपका जो भी नाम है वो। और यहाँ पे देखो अभी मैंने हिडन ऑप्शन बंद करते, यहाँ पे आपको ऐप डेटा नहीं दिखाएगा, आ चुका है। इसके अंदर जाने के बाद लोकल, ऑटोडेस्क, 3ds Max 20, और जो ये फोल्डर है आपको सिंपली इसको डिलीट कर देना है। ओके, हो गए डिलीट। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे 3ds Max। अगर ये फिर से आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ से देखो ये फोल्डर फिर से बन गया, तो अभी उसका कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, अभी देखो मैंने फिर से 3ds Max ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखो ये ENU करके एक नया फोल्डर भी बन गया। तो अभी 3ds Max के अंदर कुछ भी स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वो फोल्डर आप डिलीट कर देते हो तो आपका जो 3ds Max है, जो आप जब पहली बार इंस्टॉल करते उसकी तरह ही हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका मैं कुछ यूज नहीं करता बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो हमारा स्क्रिप्ट कंट्रोलर का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको मैक्स के अंदर और भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लाइटिंग का कुछ इश्यू है, तो आप मेरे को अपनी फाइल मेल भी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक ट्यूटोरियल और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और आप बेटर वे से अपना काम कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।